कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। राज्य सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और एक बड़ा प्रदर्शन मंगलवार को भी कोलकाता के सड़कों पर देखा गया। यह प्रदर्शन पश्चिम बंगाल छात्र समाज की ओर से किया गया। इसका हिंदी में मतलब होता है पश्चिम बंगाल में छात्रों का समाज। पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने पश्चिम बंगाल सरकार के सचिवालय नबाना की ओर मंगलवार को बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मार्च किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मार्च का आयोजन रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के छात्र प्रबीर दास, कल्याणी विश्वविद्यालय के शुभंकर हल्दर और रविंद्र मुक्ता विश्वविद्यालय के सयान लहरी द्वारा किया गया। पश्चिम बंगाल छात्र समाज एक गैर पंजीकृत छात्र समूह है जो गैर राजनीतिक होने का दावा करता है। इस छात्र संगठन के प्रवक्ता सायन लहरी के मुताबिक उनके संगठन का बीजेपी, आरएसएस और एबीपी से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। इस छात्र संगठन की तीन मांगे हैं: पीड़िता को न्याय मिले, दोषियों को सख्त सजा हो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा दे। राज्य में सरकार चला रही टीएमसी ने इस रैली को सड़कों पर हुड़दंग करने की साजिश बताया था और बीजेपी के कई नेताओं के वीडियो जारी कर यह दावा किया था कि वे मार्च में हिंसा को भड़काने की योजना बना रहे हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि छात्र समाज को बीजेपी का समर्थन है। नबाना रैली के मद्देनजर कोलकाता पुलिस ने शहर में 6000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया। रैली के दौरान मंगलवार को हावड़ा और कोलकाता में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल सचिवालय तक मार्च किया और पथराव किया। छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी की बंगाल इकाई ने नबाना मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया है। बीजेपी का कहना है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का कहना है कि यह बीजेपी की रैली नहीं थी और समाज के सभी वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया था। आपको बता दें कि इस अभियान को रोकने के लिए सरकार ने 6000 पुलिस जवान तैनात किए। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। रैली दोपहर करीब 12:45 पर शुरू हुई लेकिन नबाना तक नहीं पहुंच सकी। इसकी वजह पुलिस की बैरिकेटिंग रही। कई रास्तों को बंद किया गया, ड्रोन से निगरानी की गई। छात्रों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेटिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन चलाई गई। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी जख्मी भी हुए। कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। आपको बता दें कि नबाना पश्चिम बंगाल सरकार का अस्थायी सचिवालय है जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर बैठते हैं। तो वही राइटर्स बिल्डिंग स्थित सचिवालय का रेनोवेशन अभी चल रहा है। अस्थायी राज्य सचिवालय नबाना के पास बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। यहाँ एक साथ 5 से लोग ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा यहाँ क्रेन के जरिए भारी कंटेनर भी सड़कों पर रखे गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ पाए। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के 100 से ज्यादा कलाकारों ने ममता सरकार के अंतर्गत आने वाली टेली एकेडमी को लेटर लिखा है। इसमें आर्टिस्टों ने अपने वर्कप्लेस पर सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। ममता बनर्जी के पुलिस से फूल देखने का आशा हम लोग नहीं करते हैं। ममता बनर्जी डरी हुई है और डर अच्छा लग रहा है बंगाल की जनता को, और इसी डर से पत्थर, गोली, रबड़ बुलेट, बम और टियर गैस सब चल रहा है। मैं तो वही था, मैं तो देखा हूँ। इस तरह का अत्याचारी शासन बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র ছাত্রে এখন এক নম্বরে আছে। ও যা তা বলছে, ওর অধিকার আছে এই কথাটা বলা। এই কালকে বাংলা বন্ধ হচ্ছে না, এটা তো পলিটিক্যাল লড়াই। ওটা জয়েন করবে না, আমাদের ট্যাক্সের টাকাও মাইনা হচ্ছে। ওর ঘাবড়াবার কিছু নেই,
কত অনেককে তেল মেরে বেঁচে আছে, দেখা যাক কতদিন বেঁচে থাকে। প্রথমেই রোখার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যারিকেড করা হয়েছিল, সেই ব্যারিকেড যে ভেঙেছে একটা পুলিশ লাঠি চার্জ কাদানে গ্যাস পর্যন্ত ছুটে দেখা তাই ধুমধুমার পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ছাত্র আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাতাবরণ উত্তপ্ত হচ্ছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার এরকম পরিণতি হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনকে নিশ্চয়ই বলবো যে তারা যেন সংযম এবং ধৈর্যের পরিচয় দেয়, কারণ যে যেভাবেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করুক, যে বিষয়টাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন, সেই বিষয়টাকে কিন্তু কেউ আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। স্বাভাবিকভাবেই সরকারেরও উচিত আরও ধৈর্য সংযমের পরিচয় দেওয়া, এবং যারা আন্দোলন করছে তাদেরকেও বলবো যে তারাও যেন শৃঙ্খলা মেনে, নিয়ম মেনে, অশান্তি না করে, কোনো গণ্ডগোল না করে তারা যেন তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য, তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য যেন তারা পেশ করে। গতকাল রাতে চারজন ছাত্র কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পরিষদীয় দলের তরফ থেকে আজকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে যেভাবে আজকে কলকাতার বুকে অরাজকতা চলল, হাওড়ার বুকে অরাজকতা চলল, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ছাত্রের নাম করে বুড়ো ভামরা, শুধু বিজেপির ফ্ল্যাগটা না নিয়ে সব বিজেপির লোক তারা সারা কলকাতা জুড়ে অরাজকতা করলো, এখনো করে চলেছে। কিছুক্ষণ আগেও কলকাতা পুলিশের ভ্যান বাইক সব জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সারাদিন ধরে লোক নেই, জল নেই, বল নেই, কিছু না, শুধু কিছু গুন্ডা, কিছু অন্য প্রদেশের লোকজন মূলত তারা যেভাবে নবান্ন অভিযানের নাম করে পুরো মনে হলো যে গুন্ডাদের ভার্সেস পুলিশ, এবং সেখানে আমি ধন্যবাদ জানাই পুলিশ ফোর্সকে, তারা প্ররোচনা সত্ত্বেও তারা নিজেদের সংযত রেখেছিলেন, রিফ্রেন করেছিলেন, নিজেরা মার খেয়েছেন, তারপরেও নিজেরা রিফ্রেন করেছে। কিন্তু এটা বাংলার সংস্কৃতি নয়, এটা বাংলা নয়। বিজেপি যদি মনে করত বাপের বেটা সরাসরি নবান্ন অভিযান ডাকত, ভেবেছিল যে স্টুডেন্টের নাম করে ডাকলে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা চলে আসবে, অরাজনৈতিক মানুষ চলে আসবে, এবং সেখানে তাদের সামনে ঢাল করে দাঁড়িয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করবে, সেটা মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই বিভিন্ন জায়গা থেকে, ব্যারাকপুরে একজন হেরে গেছে তাকেও দেখলাম, মেদিনীপুর থেকে দেখলাম, বিভিন্ন জায়গা থেকে, মুর্শিদাবাদের এমএলএ তাই হাওড়ায় ছিলেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখলাম তারা বিজেপি নেতৃত্ব ফ্ল্যাগ ছাড়া এসে ভাবলেন মানুষের আন্দোলন হচ্ছে না, মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছেন, তাকে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, এবং 2026 পর্যন্ত মানুষের রায় তিনি আছেন, এবং আমরা আশাবাদী যে 26-এর পরেও অনেকদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন। সুতরাং এইটা যে একটা দিবা স্বপ্নে বিজেপি ভুগছে যে নবান্নর ব্যাকডোর থেকে ঢুকে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে যাব, সেটা সেগুড়ে বালি কোনোদিন হবে না। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে গদি মিডিয়ার সাপোর্ট রয়েছে তাদের কাছে, এখন তারা গদি মিডিয়ার সাপোর্টে পুলিশের যেখানে মার খেয়েছে সেখানে না দেখিয়ে ভাই হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক দেখাচ্ছে যেখানে 500 লোক নেই, আর তারপর তাদের